हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही अफसोसनाक वाकया पे, जैसे कि हमें भी न्यूज़ चैनल्स में देखने को मिल रहा है कि मोरक्को में जो है वो अर्थक्वेक की सारी सिचुएशन है। तो इस पर किस तरह से इंडिया उसकी हेल्प कर रहा है। तो इस वीडियो का टाइटल है इंडिया ऑफर्स हेल्प टू मोरक्को आफ्टर अर्थक्वेक, मोर देन 2000 पीपल डेड इन दिस कंट्री। तो इस वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोरक्को अर्थक्वेक के बारे में। देखो, इंडिया में आज के समय प्राइमरली फोकस हो रहा है G20 पर। G20 से रिलेटेड वीडियो सामने आ रही है, इमेजेस सामने आ रही हैं, मगर इसी बीच एक बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग अर्थक्वेक ने हिट किया है अफ्रीकन देश मोरक्को को। और सिंस आपको पता होगा, इस बार G20 में अफ्रीकन यूनियन को बना दिया गया है एक परमानेंट मेंबर। तो G20 समिट में भी मोरक्को के अर्थक्वेक को मेंशन किया गया। मैं चाहता हूँ ये जो क्लिप है ये आप देखें। यहाँ पर पीएम मोदी G20 समिट के दौरान मोरक्को अर्थक्वेक की बात करेंगे। और कार्रवाई शुरू करने से पहले हम सभी की ओर से कुछ देर पहले मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। और इंडिया ने जनरली तैयारी कर ली है, मोरक्को देश को कुछ भी सहायता चाहिए, मोस्ट प्रॉब्ली एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इंडिया एक ऑपरेशन भी लॉन्च करेगा मोरक्को की सहायता के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ी डिस्ट्रक्शन हुई है मोरक्को में। आप अगर इमेजेस देखोगे तो हार्ट ब्रेकिंग इमेजेस सामने आ रही हैं। लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं, लोग सड़कों पर सो रहे हैं, हॉस्पिटल्स कई जगह है नहीं, लोगों के लिए ओपन हॉस्पिटल्स यहाँ पे अरेंज किए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है मोरक्को में। इससे पहले आपको याद होगा जब टर्की में लगातार अर्थक्वेक आए थे, तब उस वक्त भी इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था ऑपरेशन दोस्त के नाम से। हालांकि मुझको एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि मोरक्को का जो अर्थक्वेक है टर्की के अर्थक्वेक के मुकाबले इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं है। जो टर्की में हुआ था इट वॉज समथिंग एल्स ऑल टुगेदर। अभी हम 21st सेंचुरी में, जो अभी सेंचुरी चल रही है, इसमें देखे सबसे ज़्यादा भयानक अर्थक्वेक तो 2004 में जो इंडियन ओशन का अर्थक्वेक सुनामी कॉम्बिनेशन था, उससे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कुछ हो नहीं सकता। अराउंड 2.5 लाख बताया जाता है लोग मारे गए थे। 9.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था इंडोनेशिया में, मेन डिस्ट्रक्शन हुई थी इसकी। फिर 2010 में हेती में अर्थक्वेक आया था, 1,60,000 लोग मारे गए थे। फिर चाइना में अर्थक्वेक आया था 2008 का, 90,000 के आसपास मौतें हुई। फिर ऑफ कोर्स 2005 का जो कश्मीर अर्थक्वेक था, इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह डिस्ट्रक्शन हुई, 87,000 लोग मारे गए। फिर टर्की का अर्थक्वेक, टर्की के अर्थक्वेक में टोटल डेथ टोल आप अगर देखो तो ऑलमोस्ट 60,000 लोग मारे गए थे। तो इसको आप अगर कंपेयर करोगे मोरक्को के अर्थक्वेक से, तो अभी के लिए जो डेटा आ रहा है, अगेन मुझे पता नहीं कि जो टोटल डेथ टोल है ये अपडेट होकर कितना हो जाएगा, मगर मोरक्को का अर्थक्वेक ओवरऑल 15वां सबसे ज़्यादा डेडली अर्थक्वेक है इस सदी का। आप अगर 2001 में जो गुजरात में अर्थक्वेक आए थे, भुज अर्थक्वेक जो थे, उसमें भी देखो तो 20,000 लोग मारे गए थे। अभी तक मोरक्को में जो मृतकों की संख्या है 2,000 के आसपास है। लग रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली ये जो मृतकों की संख्या है ये 4,000 से कम रहेगी, बट स्टिल इट इज़ वेरी डेवस्टेटिंग फॉर मोरक्को, क्योंकि इस कंट्री की आबादी बहुत कम है। अब मोरक्को को वैसे एक बार आपको मैप पे दिखा देता हूँ, जो इसकी आबादी है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और अफ्रीका देश में आपको मिलेगा यहाँ पर मोरक्को, एक बहुत ही फेमस कंट्री है इसकी ज्योग्राफिकल पोजिशन की वजह से। आबादी इस देश की 3,70,00,000 के आसपास है। कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ, टर्की की आबादी ऑलमोस्ट 9 करोड़ के आसपास है। तो मोरक्को में जो डिस्ट्रक्शन हुई है इट इज़ मैसिव। और मोरक्को में आप नोट करोगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट भी है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो बेसिकली अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन से कनेक्ट करता है। ये हो सकता है कि आपसे बाद में कहीं पूछा जाए, नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ पे आपको मिलेगा। इट इज़ बिटवीन स्पेन एंड मोरक्को। और वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर मोरक्को का जो ये मैप है इसके नीचे ये डॉटेड लाइन्स क्यों लगी हुई हैं, देखिए मोरक्को की बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट है। मोरक्को मानता है कि वेस्टर्न सारा का जो ये रीजन है ये भी इनको बिलोंग करता है, मगर कई देश हैं वो मोरक्को के इस क्लेम को एक्सेप्ट करते नहीं हैं।
तो कोई बड़ी बात नहीं है, इन द फ्यूचर यहाँ पे एक बड़ी वॉर भी हो सकती है लैंड के लिए। और वैसे अगर हम रिलीजियस डेमोग्राफिक्स की बात करें, ओवरऑल ग्रुप्स के बारे में बात करें, तो 99% जो आबादी है मोरक्को में ये फॉलो करती है इस्लाम रिलीजन को। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का मेंबर है मोरक्को। मगर इंडिया के बारे में मोरक्को से कभी कोई नेगेटिव कमेंट आई नहीं है, कश्मीर के इशू को लेकर या फिर और किसी चीज़ को लेकर भी। आप कह लीजिए इंडिया काफ़ी डिस्टेंट रहा है मोरक्को से, रीसेंट हिस्ट्री में हमारे पीएम यहाँ पर गए नहीं हैं, और जियोपॉलिटिकली भी आप अगर देखें तो इंडिया का कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है मोरक्को में। बट क्वेश्चन यहाँ पर सबसे बड़ा ये आता है कि मोरक्को में इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्यों हुई है, इतनी बिल्डिंग्स क्यों गिर गई, और ये लोग इतने असहाय क्यों नज़र आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा कमी क्यों है मेडिकल स्टाफ की, हॉस्पिटल्स की। वेल देखिए, मोरक्को में हिस्टोरिकली अर्थक्वेक आते नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा एक रेयर अर्थक्वेक है। आप अगर टेक्टोनिक प्लेट्स का मैप देखो ना, तो बिल्कुल अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जहाँ पर मर्ज करती है, जहाँ पर मिलती है वहाँ पे बिल्कुल मोरक्को आता है। थियोरेटिकली यहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक आने चाहिए, मगर कई सदियों से यहाँ पर कोई मेजर अर्थक्वेक आए नहीं है, तो इसलिए कभी इन लोगों ने अर्थक्वेक की प्रिपरेशन के लिए कुछ टास्क फोर्स नहीं बनाई, कुछ ज़्यादा इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, तो सडनली जो ये अर्थक्वेक आया ना, ये देखकर बहुत सारे जियोलॉजिस्ट भी हैरान है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये आएगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी मोरक्को की हेल्प कैसे कर सकती है और क्या करेगी भी। देखिए, अभी डिसीजन लेना है रबात को। मैंने रबात इसलिए कहा क्योंकि मोरक्को, यहाँ पे आप देख पाओगे इसकी जो कैपिटल है ये है रबात। ये एक कोस्टल शहर है, बहुत ही फेमस सिटी है। वैसे मराकेश भी इनकी बहुत ही फेमस सिटी है, जो अभी अर्थक्वेक आया है, बाय द वे ये मराकेश रीजन के आसपास ही आया है। तो इनके कैपिटल में बैठे हुए जो इनके पॉलिटिशियंस हैं, इनको डिसाइड करना है कि अब इंटरनेशनल एड ये एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर ये कहेंगे कि हम इस अर्थक्वेक में जो भी डिस्ट्रक्शन है इसको अकेले ही झेल लेंगे। टर्की ने, आपको याद होगा, जब इनसे अर्थक्वेक संभला नहीं गया, जब जो डेथ टोल है इनका 20-30 हज़ार के आसपास पहुंच गया, तब इन्होंने इंटरनेशनल SOS दी थी, सेव आर सोल, कि आके हमारी हेल्प करिए, हमसे अभी हालत संभल नहीं रही। तभी इंडियन आर्मी गई थी टर्की में हेल्प करने के लिए। ना सिर्फ इंडियन आर्मी, इवन US फोर्सेज, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनकी आर्मी भी यहाँ पर गई थी। तो अब मोरक्को पे है कि क्या ये इंटरनेशनल हेल्प को एक्सेप्ट करते हैं, क्या जो एड है इसको एक्सेप्ट करते हैं, और जैसे इनकी तरफ से कॉल आएगी हेल्प की, तो आप देखोगे इंडिया, पोर्टुगल, फ्रांस, US, वेरियस कंट्रीज तैयार हैं हेल्प करने के लिए। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर किस तरीके से हेल्प भेजती है। बट मोरक्को से रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आनी बाकी है कि टोटल डेथ टोल यहाँ पर कहाँ पर पहुँचेगा, और इंडिया क्या मोरक्को के लिए कोई स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च करेगा या नहीं, इससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स आती है तो आपके लिए मैं अपडेटेड वीडियोस बाद में ले आऊँ। सबसे पहले तो ये कि मोरक्को की स्टेट मराकेश में जो ये सारा एक्सपीरियंस किया जा रहा है, मतलब किस तरह से सारी सिचुएशन है क्रिटिकल, तो हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि मतलब वहाँ के लोगों को जो है वो आसानी पैदा हो। और दूसरा, अगर इंडिया की बात की जाए तो उस लिहाज से, ह्यूमैनिटी के लिहाज से एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है कि किस तरीके से इस वक्त में वो उनका साथ दे रहे हैं। क्योंकि नो डाउट अच्छे वक्त में सब आपका साथ देते हैं, लेकिन असल चीज़ आपको तब पता चलती है जब आपके बुरे वक्त में कोई इंसान साथ दे। और इसके अलावा अगर बात कर लें मोरक्को की, तो मोरक्को की आबादी उन्होंने बताया कि 3 करोड़ है, और जबकि टर्की की आबादी 9 करोड़ है। लेकिन टर्की में जो जलजला आया था उसकी शिद्दत इस जलजले से ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ के लोगों की आबादी ज़्यादा होने की वजह से उनके लिए फिर भी लोग मौजूद थे। यहाँ पर लोगों की आबादी भी कम है, और इतनी कम आबादी में भी इतने बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन होना उनके लिए बहुत बुरी बात है। और उनके पास इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी जिससे वो फ़र्स्ट एड या अपना इलाज वगैरह, जो लोग इंजर्ड हैं उनको कहीं जो है वो फ़र्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते। और दूसरा, अगर जलजले की शिद्दत की बात की जाए, तो उन्होंने बताया कि 6.8 मैग्नीट्यूड का ये जलजला है, और तकरीबन 2000 लोग जो है वो डेथ का शिकार हो चुके हैं, तो काफ़ी डेडली जो है वो कंडीशन है। तो और इसके अलावा अगर ये बात कर ली जाए कि मोरक्को में ज़्यादातर लोगों का रिलीजन इस्लाम है, और इसमें उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया के हमेशा जो है वो मोरक्को के साथ एक अच्छी, जिसे कहते हैं, रिलेशन रहा है। इंडिया ने हमेशा हेल्प करने की कोशिश की है, कोई नेगेटिव मैसेज या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहा कभी, क्योंकि हम देखते हैं कि हम इसमें रिलीजन को नहीं देखते कि अब इंडिया में जो है वो हिंदू हैं और मोरक्को में मुस्लिम हैं, लेकिन इंडिया जो है वो ह्यूमैनिटी पे बात करता है। कि काफ़ी अच्छा लगा कि जैसे इंडिया में हिंदू रहते हैं, और मतलब वो एक पूरा हिंदुओं का मुल्क है, और मोरक्को में 99% लोग मुस्लिम्स हैं, लेकिन इस चीज़ की बेस पे उन्होंने ये नहीं कि उनकी मदद ना की हो, बल्कि वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देख कर कि इंडिया उनकी इस बुरे वक्त में मदद कर रहा है। लेकिन एट अ टाइम हमें मराकेश के लिए बुरा लग रहा है कि नो डाउट ये काफ़ी बुरी सिचुएशन है उन लोगों के लिए,
और हम इसमें बस उनके लिए प्रे कर सकते हैं कि वो जल्द से जल्द इस चीज़ से रिकवर हो सके। दूसरा, अगर वहाँ की कंडीशन की बात की जाए कि नो डाउट वहाँ पे ऑलरेडी जो है वो चीज़ें इतनी ज़्यादा जो है वो स्टेबल नहीं थी, यानी अंडर डेवलप्ड थी और काफ़ी चीज़ों पे काम किया जा रहा था, मतलब उस तरीके से चीज़ फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं थी, जिस तरह से इस वीडियो में भी हमें देखने को मिला कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ जो है वो इतने अच्छे तरीके से नहीं काम कर रही, जो है वो ओपन एरिया में जो है वो लोगों के लिए सारा बंदोबस्त किया गया है। और हिस्ट्री को लेकर उनको ये था कि यहाँ पर कभी अर्थक्वेक नहीं आ सकता, यानी हिस्ट्री के मुताबिक हमेशा जो है वो मोरक्को के एरिया में कभी इतने मेजर अर्थक्वेक्स नहीं आए, तो ये बिल्कुल एक रेयर अर्थक्वेक था। लेकिन स्टिल हम जिस तरह कहते हैं कि जितनी नेचुरल डिजीज़ हो गई, कुदरती आफात या ये जलजले वगैरह, ये सब जो हैं अनसर्टेन है, किसी को कुछ नहीं पता कि ये कभी भी आ सकती हैं, तो हमें इनके लिए पहले से प्रिपरेशंस करके रखनी चाहिए। बाकी इस वजह से जो भी इन्फॉर्मेशन हो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और जो भी सिचुएशन है उस लिहाज से आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।